वेलकम टू माय चैनल। ये है कात्यायनी आश्रम जहाँ पे हम रुके हुए हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं चौरासी कुटिया बीटल्स आश्रम की तरफ। यहाँ पे एक्टिवा रेंट पे लेके काफ़ी आसानी से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जानकी सेतु को पार करके ही राइट साइड में मुनि की ज्योति के सामने ये बीटल्स आश्रम है जिसको चौरासी कुटिया भी बोलते हैं। ये आश्रम वर्ल्ड फेमस बैंड बीटल्स जब 1968 में जब मेडिटेशन के लिए महेश योगी के पास आया तब ये काफ़ी फेमस हुआ, क्योंकि तब बीटल्स बैंड बहुत ही फेमस था। ये कुटिया है जहाँ पे ऊपर मेडिटेशन होता है और नीचे एक रहने की व्यवस्था है। आश्रम की 84 कुटिया जो है वो योग के 84 आसन को रिप्रेजेंट करती है। और इसके साथ काफ़ी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है।
और ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो बीटल्स इन इंडिया करके डॉक्यूमेंट्री भी है और यूट्यूब पे आपको इसी आश्रम के जब बीटल्स यहाँ पे थे तो उसके रॉ फुटेजेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ ऐसा काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर है, जब आश्रम चालू रहा होगा तब यहाँ की रौनक कैसी होगी। नाइनटीन 86 में ये बीटल्स की वजह से फेमस रहा, पर उसके बाद उनके जाने के बाद थोड़े टाइम के बाद यह आश्रम बंद करना पड़ा और 2003 में यह आश्रम फॉरेस्ट के अंडर में गया और 2015 में टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया। ये हॉल है, ये हॉल में और आश्रम के बाकी जगह पे बीटल्स ने काफ़ी सॉन्ग कंपोज किए थे। सारी फोटोग्राफ्स से वो जब यहाँ पे आए 10 दिन के लिए उसके दौरान ये सारी फोटोग्राफ्स ली गई थी, जहाँ पे वो सॉन्ग कंपोज करते हुए, मेडिटेशन करते हुए,